मिशन रोजगार के काम में लगे सीएम योगी आज चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देंगे। 6696 बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित इन अभ्यर्थियों को सीएम योगी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलेगा। यूपी में चयनित 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इन 6696 शिक्षकों को मिलने वाले नियुक्ति पत्र के साथ ही पूरा हो जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में लोक भवन सभागार में होना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर दौरे में सीएम योगी जिले को सैनिक स्कूल की सौगात देने वाले हैं। 154 करोड़ की लागत से इस सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा। सैनिक स्कूल के आकार की बात करें तो ये स्कूल अपने आप में उत्कृष्ट होगा। स्कूल का निर्माण 50 एकड़ में किया जाना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। विशाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। विशाल, क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम है, जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सैनिक स्कूल का जो तोहफा है वो गोरखपुर की जनता को देंगे। चूंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश रही है कि तमाम जगहों पर सैनिक स्कूल खुले। लखनऊ में भी सैनिक स्कूल जब खुला था तब उन्होंने इस बात, जब कार्यक्रम में गए थे तो इस बात को कहा था कि तमाम जगहों पर सैनिक स्कूल खुलवाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लगातार सेना से बात की जा रही है और इसी कड़ी में एक बड़े बेहतर कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। चूँकि तमाम जगहों पर सैनिक स्कूल होने से जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल में पढ़ सकेंगे, इसके साथ साथ तमाम जो सेना का जो पराक्रम है उसके बारे में जान सकेंगे, उसके शौर्य के बारे में जान सकेंगे। इसके साथ साथ जो सेना के तमाम जो जवान हैं उनके परिवार के बच्चे जब उस स्कूल में जाएंगे तो उनको अपने गृह जनपदों में इसका मौका मिल सकेगा, तो उनको अलग अलग शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी कड़ी में फिलहाल सैनिक स्कूल का जो तोहफा है वो गोरखपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे।